Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this video is just to give you all an update. I'll see you after my intro. बहुत ही जल्दी subscribe नहीं किया तो subscribe कर दीजिए और मिलती हूँ आपसे एक intro के बाद. पूछ रहा था आपके कर्ल्स कहाँ चले गए, तो मैं बता दूं कि मैंने अभी तक अपने कर्ल्स को इस बार ये पूरे हफ्ते मैंने अपने कर्ल्स को रिफ्रेश नहीं किया है, इसलिए मेरे कर्ल्स ऐसे हो गए और मैंने कंघी कर ली है, तो इसलिए मेरे बाल इस वक्त ऐसे दिख रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में मेरे कर्ल्स वापस आ जाएंगे बिकॉज नेचुरल हैं. तो चलिए, कुछ अपडेट देना था आप लोगों को. अपडेट ये था कि कुछ काम मैंने ऐसे किए हैं जिसके कारण मुझे लगा था कि भाई हमने तो एक ही जना की इन्फॉर्मेशन भेजी थी कंपनी में कि यहाँ पे ऐसे ऐसे गूफ अप्स हो रहे हैं, इतना सारा फिल्टर लगा के पीआर किया जा रहा है, न्यूड को रेड को न्यूड बता के सामान बेचा जा रहा है, बट उसका असर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है. बड़ा ये हुआ है कि पहले तो एक शायद वार्निंग दी गई थी कि फिल्टर का इस्तेमाल ना हो, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था कि आधे वीडियो में जहाँ तक आप एक यू नो कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर रहे हैं वहाँ पे आप विदाउट फिल्टर कर रही हैं, बोल के कि मेरा स्किन टैन हो गया है, मैंने घूमा है तो मेरा स्किन ख़राब हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ब्ला 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 ब्ला, और टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो पूरा फिल्टर लगा के दिखाया जा रहा था कि देखो भाई ऐसा मेकअप करने से हम ऐसे सुंदर हो जाते हैं. तो हुआ ये कि चुल तो हमें भी कम नहीं है ना, हमने फिर से बताया ये सब हो रहा है करके. तो उसके बाद हुआ ये कि इस वक्त जो ये कंपनी है इसने स्पेसिफिकली बोला है सारे ही यूट्यूबर्स को जो इनका प्रमोशन करते हैं कि आप लोगों को अपना पूरा वीडियो बना के उसको अनलिस्ट करना पड़ेगा. तो जो यहाँ पे यूट्यूबर्स नहीं उनको बता दूँ कि जब हम लोग वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो वहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, एक प्राइवेट, डिलीट एंड अनलिस्ट. सो प्राइवेट हो जाता है वीडियो, तो रहता है वहाँ पे लेकिन किसी को दिखता नहीं है. अनलिस्टेड वीडियो जो होता है वो भी वहाँ पे रहता है, किसी को नहीं दिखता, लेकिन अगर मैं किसी को अपने अनलिस्टेड वीडियो का लिंक शेयर करूँगी तो वो इंसान उस वीडियो को देख सकता है. एंड तीसरा तो डिलीट, यू ऑल नो इट. हाँ, एक और ऑप्शन है स्केड्यूल. स्केड्यूल इज बेसिकली कि ये मैंने वीडियो अभी बना लिया है बट आई वॉन्ट कि ये मेरा वीडियो कल 8 बजे यू नो अप हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइम सेट कर दूंगी. बेसिकली जैसे यू नो सेट करते हैं टाइम वैसे ही है जैसे अलार्म सेट करते हैं, उसी तरह से अगर मैं बोलूंगी कि कल 8 बजे लाइव कर दो तो वो 8 बजे लाइव हो जाएगा. सो ये 4 ऑप्शन होते हैं. इस कंपनी ने बोला है पूरा वीडियो बनाओ, अनलिस्ट में डालो, लिंक शेयर करो, विल वॉच द एंटायर वीडियो, कहाँ पे आपने फिल्टर लगाया है, कहाँ पे आपने फिल्टर नहीं लगाया है, कहाँ पे आपसे प्रोनंसिएशन एरर्स हुए हैं, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें पिक्चर में आ गई हैं. मैंने सोचा था कि मैंने तो सिर्फ एक ही जना के ऊपर ऐसा किया, लेकिन नहीं, नाउ इट्स एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल हु आर डूइंग पीआर. सो खुशखबरी ये है कि अब नए वालों को बहुत मौका मिलेगा बिकॉज नए वालों को कंपनी ज़बरदस्त तरीके से अप्रोच करेगी और ज़रूर करेगी, बिकॉज फिल्टर वाले सारे भागने वाले हैं. उनके कई बहाने आएंगे कि बहुत काम हो गया था, ये हो गया था, मैंने पैसा बढ़ा दिया, मैंने ये कर दिया. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, ओके. सो सच्चाई ये है, इफेक्ट ये है, पूरे जितने भी व्लॉगर्स थे सबके ऊपर ये अप्लीकेबल हुआ है क्योंकि एक नया रूल बना है. पहले ये कंपनी वीडियोस को अप्रूव नहीं करती थी, लेकिन अब से ये पूरे वीडियोस देखेगी, उसको अप्रूवल के लिए यस बोलेगी, तभी वो वीडियो पब्लिश हो सकेगा. सो ऐसे में क्या हो जाता है ना कि अगले ने अगर 10 मिनट का वीडियो बनाया, उसमें आधे वीडियो में फिल्टर लगा दिया और आधे वीडियो में दिखा दिया कि हाँ भाई ले भाई तेरे पीआर पे मैंने फिल्टर नहीं लगाया, तो वैसा नहीं चलेगा. अभी पूरा वीडियो ए टू जेड सिमिलर होना चाहिए. सो खुशखबरी जैसे कि मैंने बोला, अभी नए लोगों को अप्रोच करेगी बिकॉज फिल्टर वाले अपने आप छोड़ छोड़ के भाग जाने वाले हैं. तो ये एक काम बहुत अच्छा हुआ है. इसके अलावा मैं देख रही हूँ एक फैशन ब्लॉगर, ब्यूटी ब्लॉगर, जिन्हें जैकेट और कोट के बीच का डिफरेंस पता नहीं है, वो जैकेट को कोट बोलती हैं, कोट को जैकेट बोलती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं, पीले को गुलाबी, लाल को काला, मीशो को पीसो,
तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं मीशो मीशो वालों से भी पूछू भाई तुम लोग का नामकरण कब हुआ है, कब से तुम लोग पीसो बन चुके हो। सो एक ये मेरा क्वेश्चन है, ये जस्ट एक अपडेट था। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट मैं बाद में करूँगी। मेरे जो वीडियोस हैं उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस दिखेंगे, चेंजेस इन द सेंस द पैटर्न इन विच आई यूज टू मेक और गिव रिएक्शंस, वो थोड़ा सा फनी होंगे, थोड़ा सा कुछ होंगे, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होंगे, स्ट्रांग रिएक्शन भी आएंगे। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दीदुओं के ऊपर आए, यूट्यूब में मैंने बहुत सारी रिसर्च की है एंड मैंने देखा है कि यूट्यूब में बहुत बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। सो आई गेस आप लोगों को भी नहीं पता होगा इतना कुछ चल रहा है, जैसे कि आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा था जहाँ पे एक यूट्यूबर ने बोला था कि मैं सुसाइड कर लूँगा बिकॉज ऑफ सुपर बाइक और उनका जो हरासमेंट हुआ था, है ना। तो वो एक वीडियो था, वो मैंने देखी, वो एक बड़ी न्यूज़ थी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक भवानी मुझे ऐसी मिली है जिनकी बातें आप सुन लोगे तो आपके कान से खून निकल जाएगा। बट रिसेंटली आई हैव कम टू नो कि कैरी मिनाती के कुछ फैंस हैं, यू नो, फैंस इन डिसगाइज, एडमायरर्स, सीक्रेट एडमायरर्स, उन लोगों को शायद ये महिला बहुत पसंद आएंगी। और इनका पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अगर मैं बोलूँ अपने तरफ से, तो पॉइंट ऑफ व्यू इनका सही है, बातें ये सही करती हैं, लेकिन इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स अबाउट हाउ यू से। तो ये बात वो नहीं होती है कि आप क्या कह रहे हैं, बात तब इफेक्टिव होती है जब आप कैसे कह रहे हैं उस चीज़ का फर्क हो। तो मैं इनके बारे में बहुत ही जल्दी बात करने वाली हूँ। इसके अलावा हमारी घायल जोन ने किसी यूट्यूबर का, कोई गेमर था, कोई गेमर यूट्यूबर था, आपको बता रही हूँ, छोटी छोटी सी न्यूज़ दे रही हूँ आपको कि यूट्यूब पे क्या क्या हो रहा है। कोई गेमर था और वो वीडियो में, अपने वीडियो गेम में उनकी कार क्रैश हो गई, तो इन्होंने पूरा अपना एक कॉन्टेंट बना डाला है घायल जोन जी ने कि वो गेमर अब नहीं रहे। तो वो गेमर हैं, अगर वो रेसिंग वाले गेम्स खेल रहे तो ऑब्वियसली कितनी बार कार क्रैश होती है, तो इसका मतलब कि गेमर मर गया। मतलब क्या मैडनेस अनलिमिटेड चल रहा है यूट्यूब पे भाइयों और बहनों? क्या आप लोग जानना नहीं चाहोगे क्या क्या चल रहा है यूट्यूब पे? केआरके के बारे में पता है क्या हुआ है उनके साथ? मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बताने वाली हूँ। और रही बात ये अपनी दीदुएं, इन लोगों को तो सुधरना पड़ेगा ही, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, सुधरना तो पड़ेगा ही। आप लोग बैठ के लोगों को चीट नहीं कर सकते हैं, मैं आवाज़ करूँगी, आप लोगों को जो करना है कर लो। और कुछ लोगों को लगा ना मैं डर गई, ओ ओ ओ ओ ओ, मैं डरी वरी नहीं हूँ, आराम कर रही थी, बहुत रिसर्च की है इस टाइम में मैंने। सो उस रिसर्च का जो भी आउटकम है आप लोगों को मेरे चैनल पर दिखेगा। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कूल, यस, टेक केयर, बाय।